वोट करेगी। नहीं, ये कहा जाता है मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, तो यहाँ कुंडा में नहीं चलेगा, ये कुंडा में ये समाजवादी कुछ नहीं चलेगा। जब तक राजा भैया समाजवादी के साथ में थे तो हम लोग समाजवादी को वोट करते थे। अब राजा भैया जब अपनी खुद की पार्टी उन्होंने बनाया है तो हम लोग उनके लिए अपने खून को भी बहाने के लिए तैयार हैं और जनसत्ता दल को वोट करेंगे। राजा भैया के सवार क्यों लड़ो ना खड़ा वही भैया। हाँ, गुलशन कह रहे हैं हम निकल रहे हैं, बोला तेल बेचे पत्नी उनकी। हाँ, तेल बेचे का किए रोड के, हर काम के लिए का किया हो, काम नहीं किए कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज खान। फिरोज जी, ये बताइए, ये वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान और यादव हमारा। हाँ, तो ऊपर वाला जाने को किसका है। हम लोग को जो राजा भैया, राजा भैया का साथ देंगे चाहे जो हो। गुलशन कह रहे हैं वो हमारे, गुलशन कहने दो ना हजार, हम पी पी करें तो हम उनके घर में घुसी, हम राजा के साथ रहा। यहाँ के आदमी उनका प्रचार नहीं कर रहा है, आप हवा की बात कर रहे हैं। कि कितने अध्यक्ष होंगे तो वो जरा बता दें कि वो जब तक चेयरमैन थे वो कितने अध्यक्ष थे। कोई कहता था कि उनके पास चले जाओ, गुलशन यादव के पास चले जाओ, छविनाथ यादव के पास चले जाओ, फलाने के पास चले जाओ, ये बता दें ये कौन चेयरमैन। नहीं, गुलशन नहीं जीतेगा, राजा भैया जीतेगा। नहीं नहीं, कोई नहीं जीतेगा, सिर्फ इसमें जो शेर है जंगल का राजा भैया वही जीतेगा, बाकी कोई नहीं जीतेगा। राजा भैया जीते हुए हैं। हाँ, कुंडा में सारे मुसलमान का समर्थन है राजा भैया की तरफ। राजा भैया जो है एक हमारे परिवार के जैसे हैं। सपा करके तो पब्लिक का जो है बेवकूफ बनाया गया ना। यहाँ तो हमारे राजा भैया के जो भी कैंडिडेट, जनसत्ता परिवार एक ऐसा है कि जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है आप? मोहम्मद आरिफ मंसूरी। आरिफ जी, ये बताइए, गुलशन यादव कह रहे हैं मुस्लिम और यादव हमारा है, हम तो जीत लेंगे। अरे उनके तो भैया पूरा लिखा पढ़ी के साथ है, बंद हुआ थोड़ी है। आपको कह रहे यादव नहीं दिख रहे हैं, आधार कार्ड दिखा है। आप यादव हैं तो वही कह रहे हैं। यही कह रहे हैं भैया, लोग जात धर्म से अलग उठ के इनको वोट कर रहे हैं क्योंकि ये प्रत्याशी इतने सरल है और हर समय इनकी भगवान की राह पे दुकान है, पेट्रोल पंप है, इनके भाई डॉक्टर हैं। ये पब्लिक लोग कह रहे हैं कि 10 साल विकास, जरा उनसे पूछिए कि ये विकास किसके दम पे करते थे। ये जब तक राजा भैया से जुड़े थे, राजा भैया ने इन्हें इतनी दौलत ला के लखनऊ से दे दिया, ये वही विकास कर पाए हैं। अब 5 साल जो पिछले 5 वर्ष बीत चुके हैं, इसमें इन्होंने कितना विकास किया ये जरा बता दें। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है, मैं हूं दुर्गेश। इस समय हम खड़े हैं कुंडा टाउन एरिया में। प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव का ऐलान बिगुल बज चुका है, 4 तारीख को मतदान होना है। लेकिन इस बीच जो है वो फिर एक बार, जैसे कुंडा विधानसभा चुनाव में चर्चा में था 2022 में, अब नगर पंचायत को लेकर चर्चा तेज है। क्योंकि कभी राजा भैया के साथ रहने वाले गुलशन यादव, उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से पिछले 10 सालों में नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे, इस बार जो है वो उनकी पत्नी, समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी सीमा यादव को प्रत्याशी बनाया है, जबकि जनसत्ता दल की तरफ से जो है वो ऊषा त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो नगर पंचायत में 10 सालों में कितना काम हुआ है और यहाँ की जनता इस बार बदलाव देखती है या फिर जनसत्ता दल के प्रत्याशी या फिर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को फिर से जिताएंगे गुलशन यादव के पत्नी सीमा यादव को। हमारे साथ जो है वो कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राय है इनकी, जनसत्ता दल, समाजवादी पार्टी या फिर कोई और। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। प्रचार लगातार 4 तारीख को मतदान के बीच जोरों पे है, सब अपने अपने कैंडिडेट का प्रचार कर रहे हैं। दादाजी, पहला सवाल, क्या लग रहा है इस बार नगर पंचायत में बदलाव होगा या फिर से गुलशन यादव समाजवादी पार्टी को मतदान? वैसे आप पत्रकार बन, क्या क्या नाम है दादा? हमारा नाम निजामुद्दीन फारूकी। हमको 10 साल 15 साल से मतलब नहीं है, हमको नई जीत लाना है और कुंडा विधानसभा कि खास टाउन एरिया को चमकाना है। अभी तक नहीं चमका है। हम इस बात के लिए नहीं कहता, हम अपनी और काम, हाँ, और अच्छा काम करना चाहिए, इससे भी अच्छा काम करना चाहते हैं, ये हमारा दायित्व है। इसको बढ़िया मानते हैं, हम अपने राजा भैया को मानते हैं और प्रत्याशी हमारे ऊषा त्रिपाठी जी को मानते हैं, और जो कि राजा भैया ने जिसके पीठ पर हाथ रख दिया है, हम उनको मानते हैं, ऊषा त्रिपाठी को। और हम लोग अपना चुनाव इस वर्ष जनसत्ता पार्टी के अगुआ मुखिया अध्यक्ष को हम लोग अपना भारत के गौरव मानते हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग तन मन धन से काम करते हैं, निःशुल्क काम करते हैं। चुनाव यहां से निकल रहा है फिर? हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है वो 3-4 अध्यक्ष हो जाते हैं, तो एक ही अध्यक्ष बनाइए। आप सुन लीजिए, हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम उसमें सर्वांगसम हैं, हम जीतेंगे, भरपूर जीतेंगे और जनता की बहुत बड़ी सहानुभूत है राजा के प्रति, प्रत्याशी के प्रति और विकास के प्रति। हम इससे अच्छा, फिर आपसे कह दिया कि हम इससे अच्छा विकास करेंगे नगर पंचायत। हाँ, नगर पंचायत में। अच्छा, क्या लग रहा है भैया, क्या नाम है आपका?
मोहम्मद नसर सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब, अभी 10 साल जो है वो समाजवादी पार्टी गुलशन यादव के कब्जे में ये पूरा रहा, क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव देखते हैं, कहाँ क्या देखते हैं, कैसे? बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि हमारे मुखिया ने एक नई पार्टी बनाई है अपनी, जो अपनी गांव की अपने घर की पार्टी है। तो उस पार्टी को डेवलप करने के लिए, उस पार्टी को आगे बढ़ाया देने के लिए हम माननीय राजा भैया को निश्चित भाई किसी पार्टी से अरे किसी प्रत्याशी से हमसे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ माननीय राजा भैया सिंबल से मतलब है, चुनाव निशान आ रही और मुखिया हमारा जिसमें कहे कि आपको इसमें वोट देना उसको देना है। आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर इस कुंडा टाउन एरिया के तमाम लोग जो है वो राजा भैया को पार्टी का मुखिया ही मानते हैं? लोगों को क्या लग रहा है, वोट बड़ी संख्या में जनसत्ता को जा रहा है या फिर केवल आप पार्टी नेताओं? क्योंकि देखिए माननीय राजा भैया ने जब तक पिछले चेयरमैन जो भी रहे उनके दिशा निर्देश पर ही चेयरमैन रहे, उनकी भागीदारी उसमें रहे, तो हम लोग उनके साथ थे। अब वो नहीं है उनके साथ, जिसके साथ है उनके साथ हम लोगों का जरूर बदलाव होगा। इसके पहले आप लोगों ने गुलशन को ही वोट किया था? बिल्कुल, क्योंकि उधर से दिशा निर्देश था तब हम लोग थे, क्योंकि माननीय गुलशन यादव तब उनके साथ थे, माननीय राजा भैया के साथ थे, इसलिए उनके साथ थे। क्यों दादा, पिछली बार जो है आपने गुलशन को ही वोट किया था? हमने अपना वोट राजा भैया जहाँ गए जहाँ कहा हमने उनको वोट अपना, वोट जो है राजा जी। हाँ बस, हाँ राजा ही सब कुछ है गुलशन के नाम पे नहीं। हाँ राजा सब कुछ है। क्यों भैया, क्या नाम? मोहम्मद आसिफ। आसिफ जी, क्या लग रहा है, राजा भैया के नाम पे या समाजवादी पार्टी के नाम पे, थोड़ा इधर आ जाइए। देखिए हम लोग माननीय राजा भैया के आदेश का पालन करते हैं, और रही बात जो ये लोग कह रहे हैं कि 10 साल विकास, जरा उनसे पूछिए कि ये विकास किसके दम पे करते थे। ये जब तक राजा भैया से जुड़े थे, राजा भैया ने इन्हें इतनी दौलत ला के लखनऊ से दे दिया, ये वही विकास कर पाए हैं। अब 5 साल जो पिछले 5 वर्ष बीत चुके हैं, इसमें इन्होंने कितना विकास किया है ये जरा बता दें। इन्होंने कोई विकास नहीं किया है। जब तक ये राजा भैया के साथ में थे तब तक कुंडा का विकास हुआ है, और अब की जो ये चुनाव होने जा रहा है, जो उषा त्रिपाठी जी प्रत्याशी बनी हुई है, आप देखेंगे इस कुंडा को, आपको लखनऊ नज़र आएगा। विकास की जहाँ बात हुई, ये हमारी प्रत्याशी जो है उषा त्रिपाठी जी जीतने जा रहे हैं भारी मतों से, आपको ये कुंडा नहीं ये लखनऊ नज़र आएगा, आपको विकास दिखेगा। जो मुस्लिमों का पूरा समर्थन, बिल्कुल 100% मुस्लिम राजा भैया की ही तरफ है। 5 साल पहले आप लोगों ने गुलशन को दिया था? बिल्कुल दिए थे, तब वो राजा भैया के साथ में थे, अब की उनको हम लोग वोट नहीं करेंगे। ये हमारी पार्टी जो है जनसत्ता दल उषा त्रिपाठी जी को उतारी हुई है, हम लोग उसके साथ दम खम हर चीज़ से हम लोग तैयार हैं, उनको वोट करेंगे। नहीं, ये कहा जाता है मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, तो यहाँ कुंडा में नहीं चलेगा? कुंडा में ये समाजवादी कुछ नहीं चलेगा। जब तक राजा भैया समाजवादी के साथ में थे तो हम लोग समाजवादी को वोट करते थे, अब राजा भैया जब अपनी खुद की पार्टी उन्होंने बनाया है तो हम लोग उनके लिए अपने खून को भी बहाने के लिए तैयार हैं और जनसत्ता दल को वोट करेंगे। राजा भैया कहते हैं कि कुंडा नगर पंचायत एक परिवार है, तो क्या लग रहा है कि परिवार के तौर पर जो है वो जिताएंगे आप लोग? बिल्कुल जिताएंगे। यानी इससे पहले जो है गुलशन राजा भैया के साथ थे, तो इस वजह से आप लोगों ने गुलशन को? बिल्कुल बिल्कुल। बगावत कर दिए तो अब नहीं? बिल्कुल नहीं, उनको एक वोट नहीं मिलेगा, जमानत जब्त होने जा रही है उनकी। और ये भी बड़ी वजह है कि अब जो है काम वो नहीं ला पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं ला पा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष जो बीत गए वो बता दें कौन सा विकास किए हैं, और जो ये एक चीज़ वो कहते हैं कि कितने अध्यक्ष होंगे, तो वो जरा बता दें कि वो जब तक चेयरमैन थे वो कितने अध्यक्ष थे। कोई कहता था कि उनके पास चले जाओ, गुलशन यादव के पास चले जाओ, छविनाथ यादव के पास चले जाओ, फलाने के पास चले जाओ, ये बता दें ये कौन चेयरमैन थे। और हमारे राजा भैया का जो आदेश होगा निर्देश होगा, अगर अध्यक्ष हमारी उषा त्रिपाठी जी हैं तो वही अध्यक्ष होंगी, कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं होगा। कहा था उन्होंने? बिल्कुल, यानी आप एक ही अध्यक्ष हैं? बिल्कुल एक ही अध्यक्ष हमारा जनसत्ता दल पार्टी का है, वो भी उषा त्रिपाठी जी। बिल्कुल, यानी इस बार मुसलमान समाज सपा? बिल्कुल जी बिल्कुल 100% बिल्कुल जनसत्ता। क्या नाम भैया? दिलशाद हुसैन। क्या? दिलशाद हुसैन। दिलशाद जी क्या लग रहा है, रहिए भैया रहिए, दिलशाद जी क्या लग रहा है कि युवा इस बार किस तरफ जा रहा है? राजा भैया साइड। राजा भैया जीते हुए हैं। हाँ, कुंडा में सारे मुसलमान का समर्थन है राजा भैया की तरफ। राजा भैया जो है एक हमारे परिवार के जैसे हैं, हम उनके बच्चे के जैसे हैं। यहाँ बाकी और सब गुलशन यादव कह रहे हैं इस बार हम जीत नहीं, हो तो दूर दूर दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो दूर दूर दिखाई नहीं दे रहे हैं और दिखाई भी नहीं देंगे। नहीं जी, उनका कोई हवा नहीं? कुछ नहीं, कोई हवा नहीं है, सब राजा भैया। यहाँ के आदमी उनका प्रचार नहीं कर रहा है, आप हवा की बात कर रहे हैं। क्या नाम है? गोलू कुमार। क्या नाम भैया? लबीब। क्या लग रहा है कि इस बार जो है वो गुलशन कह रहे हैं कि 4-5 अध्यक्ष नहीं, एक अध्यक्ष हो जाएंगे, आपकी बता रहे हैं। कुंडा की जनता ने ठान लिया है आपकी, और कुंडा की जनता हमेशा राजा भैया के साथ रही। ये जब तक राजा भैया के साथ रहे इनके साथ लोग लगे रहे। इस समय आप खुद देख लीजिए ग्राउंड
पे क्या है, कोई भी इनके साथ कुंडा का एक सदस्य खड़ा हो तो जो कहिए आप बुगाने का, सिर्फ पूरी जनता राजा भैया के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। जो वो कह रहे हैं कि एक अध्यक्ष चुनिए, एक अध्यक्ष नहीं, वो बातें घुमाने की उनकी सब प्रक्रिया है, वो पब्लिक को भ्रमित करते रहते हैं। उन्होंने कहा मुसलमान को राजा, यहाँ सारे मुसलमान राजा भैया के साथ हमेशा रहते हैं, राजा भैया बेशक हमेशा खड़े रहते हैं उन लोग हम लोग के लिए आधी रात को, उनकी सब बहकाने की पब्लिक को अफवाह है सब, ऐसा कोई नहीं, हम सब राजा भैया के साथ हैं और हर तरीके से हम लोग राजा भैया के साथ रहेंगे। पांच साल पहले जब गुलशन को आपने वोट किया, राजा भैया के साथ वो थे तब तक हम लोग उनके साथ खड़े रहे, ठीक। वो आप राजा भैया जब वो अलग हो गए, हमारे राजा भैया ने खुद पार्टी बनाई है, सारे यहाँ के हिंदू मुसलमान जो कोई भी धर्म का हो सब राजा भैया के साथ रहे। नगर पंचायत में काम की बात करें तो नगर पंचायत में आप जिस रोड पे खड़े हैं दिखा लीजिए कैमरे में, आप ये रोड देख लीजिए, हमारे जब अध्यक्ष जी थे तब की ये रोड बनी हुई है, आप किसी से बोल लीजिए, मैं भी ठेकेदार हूँ यहाँ का, ये रोड तब की बनी है, इन्होंने पांच साल से पैसा हजम किया लोगों का और शाम को ये दारू इतने हैं गबन करते हैं, अभी इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ। इनकी बात करने की शैली भी बहुत गंदी है, श्री कुमार जाता जो उनकी बात करने की शैली, हर इंसान को वो सम्मान देते हैं, एक साधारण इंसान है, इसलिए पूरे कुंडा जनता आपकी ठान ली है कि इनको गाय का ऑर्डर बिल्कुल निकले। अल्लू भाई क्या लग रहा है इस बार, कौन इस बार जो है राजा भैया जीत रहा है, कह रहे हैं कि हम जीत, नहीं गुलशन नहीं जीतेगा, राजा भैया जीतेगा, नहीं नहीं कोई नहीं जीतेगा, सिर्फ इसमें जो शेर है जंगल का राजा भैया वही जीतेगा, बाकी कोई नहीं जीतेगा, कोई नहीं। क्या लग रहा है, क्या नाम है? प्रदीप कुमार यादव। क्या लग रहा है कि यादव जी इस बार, आप गुलशन यादव जी हैं, सीमा यादव कह रही हैं कि एक अध्यक्ष होना चाहिए, भैया एक ही अध्यक्ष हैं शिव कुमार जी और उनकी पत्नी लड़ रही हैं चुनाव। शिव कुमार जी एक व्यवसायी नेता है, आप समझिए कि 19 साल से लगातार व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, वो हर जात हर लोगों से मिलके रहते हैं, और जबकि अभी तक ऐसा होता तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष ना हो पाते क्योंकि ब्राह्मण लाभी जो है वो व्यापार से कम टच है, या तो सर्विस में है या तो कोई अपना काम कर, वैसे टाइप का व्यवसायी नहीं है, फिर भी इतने जनसुलभ हैं कि आज 19 साल से लगातार व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और लोग इनको जाति धर्म से उठ के पार्टी बेस से भी उठ के वोट कर रहे हैं, इतने सरल हैं और तीनों भाई। क्या लग रहा है, आपने कहा यादव जी हैं, ये कहा जा रहा है कि यादव गुलशन के साथ हैं, तो आप क्यों नहीं? तो हम आपको कह रहे हैं यादव नहीं दिख रहे हैं, आधार कार्ड दिखा है, आप यादव हैं तो वही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं भैया, लोग जाति धर्म से अलग उठ के इनको वोट कर रहे हैं क्योंकि ये प्रत्याशी इतने सरल हैं और हर समय इनकी भगवान की राह पे दुकान है, पेट्रोल पंप है, इनके भाई एक डॉक्टर हैं, ये पब्लिक के बीच में रहते हैं। गुलशन का जादू नहीं चलेगा? नहीं भैया नहीं चलेगा, किसी भी जाति धर्म कोई नहीं भैया, आपकी टक्करें नहीं, यादव मुस्लिम सब दे रहे, सब दे रहे, जनसत्ता हर तरफ बिल्कुल। अच्छा जो ये जो कहा जा रहा है कि पांच साल पहले जो है गुलशन को भी उन्हीं के राजा भैया के नाम पे दिया गया था, वो अगली बार हम लोग उनके साथ थे, अगली बार क्या उसके पहले भी थे, दो बार से उनके साथ थे, आपकी बार ये ज्यादा सुलभ सरल प्रत्याशी आ गए, आपकी इनके साथ है बिल्कुल, यानी पूरी तरीके से निकल जी। क्या लग रहा है कितने वोटों से? अरे लड़ाई नहीं रहेगी भैया। अच्छा, और बीजेपी वाले कहां गए? बीजेपी वाले अगली बार 300 कुछ वोट पाए थे, अब आपकी भगवान जाने कितना पा जाए, अपनी अकॉर्ड ना पाई है। हाँ बीजेपी हो राजा भैया के सवार क्यों लड़ो ना खड़ा वही पही है। हाँ गुलशन कह रहे हम निकल रहे हैं, बोला तेल बेचे पत्नी उनकी, हाँ तेल बेचे, का किए रोड के हर कॉम के लिए, का किया हो काम नहीं किए कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज खान। फिरोज जी ये बताइए, ये वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान और यादव हमारा, हाँ तो ऊपर वाला जाने को किसका है, हम लोग को जो राजा भैया, राजा भैया का साथ देंगे चाहे जो हो। नहीं, गुलशन कह रहे हैं वो हमारे, गुलशन कहने दो ना हजार, हम पी करें तो हम उनके घर में घुसे, हम राजा के साथ रहा। यानी मुस्लिम जो है जनसत्ता, वो हिंदू हो हर कौम दे, हम शुरू से राजा भैया के साथ पूछ ले। अच्छा आप गुलशन के नाम पे वोट करते हैं राजा भैया, सपा के नाम पे राजा? जब राजा भैया के टाइम में गुलशन पार्टी में रहा हम वोट दिए, अब जब अपन पार्टी बनाए तब से उनके वोट देते हैं। आप जो है राजा भैया के नाम पे, हाँ किसी को साले को नहीं दूंगा। कुछ लोग सपा के नाम पे करते हैं, करने दो, हम राजा भैया के साथ, सिर्फ बारी है यहाँ और कोई नहीं है, जनसत्ता के पूरे प्रदेश में सपा सपा करके तो पब्लिक का जो है बेवकूफ बनाया गया ना, यहाँ तो हमारे राजा भैया के जो भी कैंडिडेट जनसत्ता परिवार एक ऐसा है कि जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है आप? मोहम्मद आरिफ मंसूरी। आरिफ जी ये बताइए, गुलशन यादव कह रहे हैं मुस्लिम और यादव हमारा है, हम तो जीत लेंगे, अरे उनके तो भैया पूरा लिखा पढ़ी के साथ है, बंधुआ थोड़ी है कोई।